कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि हम सत्संग में जाते थे, कुछ समय पहले मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बताया कि हम देवराहा बाबा के संगत में रहे, सानिध्य में रहे और हमने उनका सत्संग किया, उन्होंने हमें नाम दिया राम, राम्य नमः। ये उन्होंने नाम दिया और बड़े करीब से रहे उनके साथ कि हम एक नाव में बैठे थे कुंभ के अंदर, कितनी नज़दीकी होगी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कल्याण नहीं हुआ, मैंने समझने का प्रयास किया इतनी उच्च कोटि की आत्मा जीवनों महात्मा उस समय के जगतगुरु और इतने ऊंची चढ़ाई के महापुरुष उनके साथ बैठे हुए हैं, कल्याण नहीं हुआ कि जो मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये क्या कारण है। हमने कहा ये उनका ही बोया हुआ बीज है जो आज वृक्ष बनने के लिए तैयार हुआ है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने इस बीज को वहाँ डाल दिया था और संतों के डाले गए बीज व्यर्थ नहीं जाते, संतों ने जो नाम दिए वो व्यर्थ नहीं होते, बस वो संत हों, उच्च कोटि के साधक हों तो भी चल जाएगा, सिद्ध भी चल जाएंगे, महात्मा भी चल जाएंगे, लेकिन रास्ता मात्र परमात्मा को हो, खोज मात्र आत्मा की हो, खोज मात्र उस पूर्ण पुरुष की हो, ज्ञान मात्र तत्त्व का खोजना हो, ये आवश्यक है। तो संत जो बीज डालते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, टाइम कितना भी लग जाए, वर्ष लग जाए, जन्म लग जाए, कई जन्म हो जाए, लेकिन वो वृक्ष जरूर बनता है। ये जीव के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अभ्यास कितना करता है, अपने आसन को जरूर आप लगाइए, ये इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक भोजन नहीं है, भोजन एक समय से भी काम चल सकता है, काम गुजारा चलता ही रहेगा, कोई नहीं रोकेगा, अगर कोई रोके तो हम बैठे हैं इसके लिए जिम्मेवार, कोई नहीं रोक सकता उस जीव का रास्ता जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जो संतों के मार्ग पर चलता है, जो परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलता है। कष्ट हो सकते हैं, दुख सुख हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मार्ग नहीं रोक सकता कोई भी, ये निश्चित है, ये नियम है और नियम से प्रकृति बाहर नहीं जा सकती।